माननीय सदस्य श्री सुदीप कुमार सोनू जी, माननीय सदस्य सुदीप कुमार सोनू जी, अब छोड़िए, फिर कल बोलेंगे, फिर कल बोलेंगे, आप उनको बोल दीजिए, हो गया। विनोद जी आसन को सहयोग करिए, आसन को सहयोग करिए, आसन आपको सम्मान देता है। मान्यवर, आज अनुपूरक बजट पर प्रथम अनुपूरक अनुदान की मांगों के साथ के समर्थन में सरकार के पक्ष में मैं अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ। कटौती प्रस्ताव चाहे 10 रुपए का हो मान्यवर, या कटौती प्रस्ताव चाहे 1 रुपए का हो, कटौती की मंशा यह है कि विपक्ष या साथ के लोग जब कटौती का प्रस्ताव लाते हैं तो तात्पर्य मंशा यह होती है कि वो सदन में एक चाबुक फटकार कर सत्ता पक्ष को यह दिखाना चाहते हैं कि आपने ये जो अनुदान मांगों के लिए अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है, यह अनुपूरक बजट जनता के हित में नहीं है। मैं तो यही जानना चाहता हूं कि यह सदन 3,30,00,000 लोगों की आशाओं का केंद्र है। 3,30,00,000 लोग चलते हुए सत्र में सदन में बोले हुए सदस्यों के वक्तव्य को इस बात के लिए गौर से सुनते हैं कि हमारे नीति नियामक, हमारे नीति नियामिका, हमारे लॉ मेकर जब राज्य की सर्वोच्च पंचायत में बैठे हैं तो उनके हित जनता के पक्ष में है या राजनीतिक हितों के पक्ष में है। मैं तो यही कहना चाहता हूं मान्यवर कि आज जिस भी कटौती प्रस्ताव की बात चल रही है, यही सदन था, यही 22 मार्च था, और उसी 22 मार्च के बाद का उद्बोधन था प्रधान सेवक का कि महाभारत की लड़ाई 18 दिनों में जीती गई थी, हम 21 दिनों में कोरोना को जीत लेंगे। हमने कहा सोचा था मान्यवर कि 21 दिनों की लड़ाई 6 महीने तक चली जाएगी और राज्य ने अपने राज्यवासियों के हित के लिए जो बजट प्रस्तुत किया था उसके बीच में हमें अनुपूरक बजट लाने की जरूरत पड़ेगी। मैं तो वही पूछना चाहता हूं कि 21 दिनों की लड़ाई, 18 दिनों की लड़ाई, महाभारत का उदाहरण, पांडव और कौरवों के बीच की सीमा रेखा। हमें तो बड़ा अफसोस इस बात का होता है मान्यवर कि जब केंद्र के प्रतिनिधि की हैसियत से केंद्रीय वित्त मंत्री विदुषी निर्मला सीतारमण जी इस पूरे प्रकरण के बाद जब ये कहती हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, हमें बड़ा अफसोस होता है मान्यवर कि फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर के ढांचे पर टिका हुआ यह देश जहां केंद्र राज्यों को अपने बच्चे के तौर पर उनकी जरूरतों के हिसाब से उन्हें तमाम चीजें और सहायता मुहैया कराता है, उस फेडरल स्ट्रक्चर की जो सबसे सुप्रीम बॉडी है उसने इस कोरोना काल में हम लोगों को बगैर लाइफ जैकेट पहनाए, बगैर नाव दिए हुए समुन्द्र में तैरने के लिए डाल दिया। मान्यवर जब वो एक्ट ऑफ गॉड कहती है ना तो मेरे कानों में बजता है कि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड झारखंड की जनता के साथ किया गया है। वो इसलिए मान्यवर कि 2500 करोड़ जीएसटी का केंद्र के पास बकाया है। कोरोना का यह संकट जहां अपने नागरिकों को रोजगार, इलाज, तमाम भोजन का साधन जो हमारे साथी विनोद सिंह बोल रहे थे वो मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार परेशान है और केंद्र सरकार हमारा 2500 करोड़ रुपया रखकर हमें ये बोलता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। मान्यवर ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है जो झारखंड की जनता के साथ किया जा रहा है। इन 3,30,00,000 लोगों में 14 लोकसभा सीटों में 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को यहां से जिताकर भेजा था। क्या इसी दिन के लिए भेजा गया था मान्यवर कि आज कोयले की रॉयल्टी और सेस से 5,000 करोड़ रुपया झारखंड से जाता है मान्यवर, हमारे हिस्से में 400 करोड़ आता है, क्या यही एक्ट ऑफ गॉड है? मैं तो यही कहता हूं कि केंद्र सरकार ने यही एक्ट ऑफ फ्रॉड हमारे साथ किया है जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं और आज ये परिस्थितियां हैं कि हमें अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना पड़ रहा है। मान्यवर सिर्फ थाली बजा देने से, अभी भी प्रथम पाली में थालियां बज रही थी, मैं तो पूछ रहा था भैया ताली कोरोना के लिए बजा रहे हो या और किसी चीज के लिए? तो मेरा यही कहना है मान्यवर
कि सिर्फ ताली और थाली बजाने से कोरोना के संकट का मुकाबला नहीं किया जा सकता है, मुकाबला करने के लिए ठोस नीति की आवश्यकता होती है। आज जितनी भी बातें यहाँ हुई हैं, जो कुछ भी हुआ है, आकस्मिकता के माध्यम से ये जो 6 महीने 7 महीने का जो पीरियड गुजरा मान्यवर, इस 6-7 महीने के पीरियड में झारखंड ने बहुत तकलीफ बहुत कष्ट भोगे हैं। आप भी इस बात के गवाह हैं मान्यवर कि अभी डीवीसी ने 5300 करोड़ रुपया माहे मरोड़ कर राज्य सरकार से लेने का प्रावधान कर दिया है कि आरबीआई के खाते से 4 किस्तों में 53 करोड़ चला जाएगा मान्यवर। लेकिन लज्जा इस बात की नहीं आई कि इस राज्य का कमाया हुआ 2500 करोड़ रुपया जो सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया था राज्य केंद्र सरकार ने कि 5 वर्षों तक उत्पादक राज्यों को होने वाले घाटे की भरपाई केंद्र सरकार करेगी, उस पर शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? हमारे विद्वान साथियों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि राज्यहित का मामला है, पार्टियां तो आती और जाती रहेंगी, राज्य बचना चाहिए, राज्य बचेगा तो हम बचेंगे और आप बचेंगे, अरे राज्य नहीं बचेगा तो फिर पार्टी कौन सी बचेगी? तो पार्टियों के हिस्से ऊपर उठ के राज्य हित में एक बार आवाज तो बुलंद करते आप ये तो कहते कि राज्य हित का मसला है, 2500 करोड़ केंद्र सरकार ने जो रखा है जल्दी से जल्दी दीजिए, क्योंकि हमें भी अपने लोगों को अपनी जनता को जवाब देना पड़ रहा है। अरे मेरी विधानसभा के लोग थोड़ी सिर्फ पीड़ित है, आपकी विधानसभा के लोग भी पीड़ित है, चूंकि आप भी इस राज्य के निवासी है, तो कम से कम उस मौके पर तो आपको खड़ा होना चाहिए था मान्यवर। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज हम लोगों ने 2584 करोड़ 93 लाख का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है जिस पर कटौती और हाय तौबा की बात चल रही है। अगर मैं पिछले सरकार के कार्यकाल का चर्चा करूं तो जब न आपदा थी न कोरोना था न और कोई व्यवस्था थी और न कोई परेशानी थी, उस दौर में जब संकट नहीं था, सारी चीजें सामान्य थी, अब यही मान्यवर इस तरफ बैठे हुए 3571 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट पेश कर रहे थे। उस समय इनको यह नहीं लगा था कि जनता की यह गाढ़ी कमाई 3571 करोड़ का अनुपूरक बजट झारखंड के हित में होगा कि नहीं होगा, जबकि सबसे आश्चर्य यही था कि सारी परिस्थितियां अनुकूल थीं, सब कुछ सामान्य चल रहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस कटौती प्रस्ताव के खिलाफ ये लोग बात कर रहे हैं, और हम अपने मित्र भाई विनोद सिंह से भी मुखातिब होना चाहेंगे, भाई विनोद सिंह ने जिन मुद्दों को उठाया है, मैं मानता हूं कि उसमें कुछ मुद्दे जायज हैं और सही हैं, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि सरकार के प्रयत्नों को भी देखा जाना चाहिए, सरकार के प्रयास को भी देखा जाना चाहिए, इसलिए कि कम से कम अपने साथी की हैसियत से हम आपसे यह उम्मीद और अपेक्षा रखते हैं कि विपक्षियों जैसा कम से कम आप ये ना करें कि सरकार के प्रयत्नों को न सराहें। सरकार के प्रयत्न अगर झारखंड में हो रही लगातार भूख से मौतों को रोकने के लिए कारगर नहीं होते, तो आप यकीन जानिए जब सामान्य दौर में पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में 23 भूख से मौतें हुई थी, तो आज आप अगर उंगलियों पर 2 या 3 गिना रहे हैं, तो यह भी निश्चित रूप से सरकार की सफलता है कि सरकार ने इस कोरोना काल में 6500 दीदी किचन चलाए, 350 सामुदायिक किचन चलाए और लोगों को ये अनाज और भोजन मुहैया कराया कि इस कोरोना के संकट के समय में कम से कम उनके भूख मरने की नौबत ना आए। तो विनोद सिंह शायद नहीं है सदन में, मैं अपनी बात पर और आता हूं मान्यवर। हम लोगों ने तो पूरे हिंदुस्तान में इतिहास रचा मान्यवर, अपने सीमित संसाधनों में। श्रमिक स्पेशल अगर कोई पहली रेलगाड़ी चली मान्यवर, तो वो झारखंड के लिए चली। श्रमिकों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने अचानक अनायास लॉकडाउन करके सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया था, वो द्रवित नहीं हुए मान्यवर, क्योंकि संवेदनाएं बची नहीं है। संवेदनशील मनुष्य होते तो टीवी में जो वो फुटेज आ रहे थे और वो रोज आंकड़े आ रहे थे, उन आंकड़ों पर भी सवाल खड़ा करके पूछते कि अरे भाई इतना आदमी तो झारखंड बिहार का भी मर रहा है, भाई ये लोग न था हम लोगों का मान्यवर। संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हैं, संवेदनाएं समाप्त हो जाने के बाद आदमी यंत्र चालित हो जाता है, और यंत्र चालित या विपक्ष मान्यवर सरकार के तमाम अच्छे कामों के में भी रोड़ा अटकाने के लिए सिर्फ इसलिए बैठा है कि उनका विपक्ष के तौर पर यही भूमिका है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं मान्यवर कि अगर राज्य हित के मुद्दे हैं और राज्य हित के मुद्दों में आपको लगता है कि इस अनुपूरक बजट से आ रही राशि जनता के हित में नहीं है, तब आप इस प्रस्ताव को लाते तो हमको अच्छा लगता, लेकिन उससे पहले मैं जरूर से आपसे यह जानना चाहूंगा, यह प्रथम अनुपूरक पिछले आपके कार्यकाल का
3571 करोड़ का, जरा इसका भी हिसाब दे दीजिएगा कि इसको आपने क्यों लाया था और इसकी आपको आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो माननीय, ये तमाम चीजें, ये तमाम बातें आज ऐसी स्थिति में लाकर राज्य को खड़ा कर रही है कि जहां हम लोग अनचाहे अनजाने प्रकरणों और प्रहसनों में उलझ रहे हैं। आज जिस सहायक पुलिस की बात हो रही है माननीय, पिछले 5 वर्षों में इस झारखंड की जो दुर्गति इन लोगों ने की है, उस दुर्गति का लेखा जोखा बताना मुश्किल है। माननीय, गिनी पिग कहते हैं प्रयोगशाला में उन चीजों को जिनके ऊपर प्रयोग होते हैं। इन लोगों ने झारखंड की धरती को प्रयोगशाला बनाकर रख दिया। माननीय, सरकारी सेवाओं की नियुक्तियां किनारे कर दी गई, अनुबंध पर कर्मचारियों की बहाली हो गई, और इन अनुबंध पर कर्मचारियों को लाने के लिए सरकार और इन अनुबंध के कर्मचारियों के बीच में मुखौटा खड़ा कर दिया। वो मुखौटा क्या करता है, सरकार से बाएं हाथ से पैसा लेता है और दाएं हाथ से अनुबंध कर्मियों को देता है। फर्क वही है माननीय, सरकार 100 रुपये का भुगतान अगर करती है अपने अनुबंध कर्मियों के लिए, लेकिन वो अनुबंध कर्मी जो झारखंड के बाल बच्चे हैं, यही की मिट्टी के बेटे हैं, यही के भूमि पुत्र हैं, वो 8,000 12,000 14,000 में जबरदस्ती नौकरी करने को तैयार है माननीय। और ये बीच का जो मुखौटा खड़ा किया गया है, ये सरकार से 28,000 और 35,000 और 40,000 रुपया उठा रहा है। ये घपला घोटाला किस चीज का है माननीय। और पिछले 5 वर्षों में सरकार की सीधी नियुक्तियां इस तरीके से हुई जिन नियुक्तियों ने झारखंड के आप सम्मान के ऊपर तमाचा मारा है। 85 की स्थानीयता कर दी माननीय इन लोगों ने। परिस्थितियां क्या बनी, स्थायी नौकरियों में उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का 2 टीचर आके खोरठा पढ़ा रहा है माननीय। तो सीधी और सरकारी नौकरियां 85 के स्थानीयता के आधार पर दान दे दी गई, और यहां के झारखंडी भूमि पुत्र के बाल बच्चे जिनको नौकरियां नहीं मिली माननीय, वो 10,000 रुपया की नौकरी लेने के लिए बाध्य किए गए। और वही हुआ जो सदन में आपने अधिसूचना पढ़ी माननीय, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 10,000 रुपया से ज्यादा कोई भी भुगतेय नहीं होगा, कोई भत्ता नहीं मिलेगा, ना वर्दी का ना ट्रेवलिंग का कोई अलाउंस नहीं है। उनके भर्ती के समय में उनसे एक शपथ पत्र लिया गया माननीय, उस शपथ पत्र में यह लिखा गया है कि मैं इसके बाद किसी नौकरी पर कोई दावा नहीं करूंगा। 2 वर्षों के लिए अनुबंध पर नियुक्ति हुई, एक एक वर्ष और बढ़ाने की बात थी, यानी 2022 के बाद जिन सेवा शर्तों के तहत उनको लिया गया है उसके बाद 2023 में रखने की ताकत अगर है तो वो सरकार अब कैसे करेगी हमको नहीं मालूम है। लेकिन हमको यह जरूर मालूम है माननीय कि अगर किसी ने जाकर उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी कि सेवा शर्तों का उल्लंघन करा के सरकार उसको कैसे अवधि विस्तार दे रही है, तो शायद सरकार को भी पसीने छूट जाएंगे इसका जवाब देने में। मैं सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा हूं माननीय कि निजीकरण की जिस अंधी दौड़ में ये लोग चले, उस निजीकरण की अंधी दौड़ में अनुबंध कर्मी से, अंचल कार्यालय से, स्वास्थ्य सेवाओं से लेते देते आखिरी में पुलिस को भी ये लोग अनुबंध कर्मी और निजी करने के लिए लग गए। आज जो लोग वहां जाकर घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं माननीय, उनसे ही पूछा जाना चाहिए, अरे वो तो झारखंड के बाल बच्चे हैं, मुंह में जबान नहीं है। नहीं, जो गमछा लगाकर गए थे ना, जिन्होंने नियुक्ति की थी ना, अगर वो झारखंडी बाल बच्चे कमजोर नहीं होते ना, बेचारे शरीफ नहीं होते ना, तो सबसे पहले मुर्दाबाद का नारा वहीं पर उनका लगता और कस के लगता कि 10,000 रुपया देकर नौकरी में रखने वाले आज आप आए हो ये कहने कि मेरी सरकार आएगी तो हम आपको स्थायी कर देंगे। 2017 से लेकर 19 तक माननीय सुधि नहीं आई, लेकिन अब जब हमारी लोकप्रिय सरकार ने इन तमाम ऐसे मुद्दे, विवादास्पद मुद्दे जो झारखंड के हितों के खिलाफ हैं, इनके समाधान के लिए प्रयास शुरू किया है, तब ऐसी स्थिति में रोड़ा अटकाने की साजिश। आज अनुबंध कर्मी लगभग 23 है माननीय, संविदा पर कर्मियों का संवर्ग लगभग 23 है। 23 संविदा कर्मियों के नियमितीकरण या उनके वेतन भत्तों की मांग को एक जगह से नहीं किया जा सकता, एक विभाग से नहीं किया जा सकता है। इसलिए माननीय उसके लिए विकास आयुक्त के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी उन 2300 संवर्ग के तमाम लोगों से बात करके तमाम चीजों को समझकर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी। और हम ये बिल्कुल चाहते हैं माननीय, सरकार ये स्पष्ट चाहती है
कि जो बच्चे अपना जीवन यहाँ पर लगा के काम कर रहे हैं उनको सरकार सुरक्षा दे, आर्थिक सुरक्षा दे। पिछले पाली में मैंने प्रश्न पूछा था माननीय पंचायत सचिवालय सेवक का पीएसएस, ये भी इन्हें का बनाया हुआ माननीय, न कोई वेतन है न कोई भत्ता है। कहानी क्या है कि एक इंदिरा आवास के चयन से लेकर उसके एक्सक्यूशन तक अगर वो काम कर लेगा तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उसको मात्र 2000 रुपए का पारितोषिक मिलेगा, और ये 2000 के पारितोषिक भी आज उनको नहीं मिल रहा माननीय, सरकार की तरफ से कोई वेतन भत्ता नहीं है। आज वो पंचायत सचिवालय सेवक पीएसएस जो है माननीय चार चार साल गुजार चुके हैं, बहुतों की नौकरी की उम्र जा चुकी है, अब उनके पास कोई विकल्प इस बात का नहीं बचा है कि वो सरकार के दिए हुए, पिछली सरकार के दिए हुए उस रोटी के टुकड़े को ही अपना जीवन यापन का आधार समझे और अपनी पूरी जिंदगी इनके पीछे गुजारते रहे। तो माननीय मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो परिस्थितियां इस राज्य में है, कुछ तो वास्तव में देवी आपदा थी माननीय कोरोना, लेकिन कोरोना के पहले सरकार ने जिस गति के साथ काम करना शुरू किया था इनको नहीं बच रहा था, इनको बड़ी परेशानी थी। कम से कम झारखंड में तो मुझको लगता है कि कोरोना आने के बाद सबसे ज्यादा खुश यही लोग हुए होंगे कि सरकार की विकास की गति का पहिया जरा थम गया, और जब विकास की गति का पहिया थम गया तो उसमें केंद्र से मदद दिला के पहिया आगे नहीं बढ़ाएंगे माननीय, और उस पहिया को कीचड़ में ढकेल देंगे, राज्य गर्त में चला जाए, राजनीतिक हित ऊपर होने चाहिए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज परिस्थितियां घूम फिर कर उसी जगह पर आके खड़ी हो जा रही हैं कि हम लोग कुछ अगर बेहतर करना चाहते हैं माननीय उसका विरोध ये करते हैं। आज जितनी भी परेशानियां हम लोगों को अभी तात्कालिक आ रही हैं वो सारे के सारे इनकी बोई हुई फसलों को हम लोग काट रहे हैं, इनके किए गए पाप का निराकरण हम लोग कर रहे हैं माननीय। तो हम आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को जरूर यह आश्वस्त करना चाहेंगे माननीय कि झारखंडी भूमि पुत्रों की सरकार झारखंडियों के साथ अन्याय तो नहीं होने देगी, और झारखंडियों के साथ अन्याय में के परिमार्जन में उसको रोकने के लिए अगर कोई खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से सरकार का भी सामना उनको करना पड़ेगा। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सुबह में कहा, उदंडता अगर होगी, कानून की अवहेलना अगर होगी तो कानून अपना काम करेगा, कानून को अपना काम करने से कोई नहीं रोकेगा, कानून को तो अपना काम करना है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं माननीय कि ये तमाम चीजें जो आंकड़े के साथ इनके पास हैं, हम लोगों ने आपदा के मद्देनजर सबसे बड़ा हिस्सा इस अनुदान का, अनुपूरक बजट का आपदा प्रबंधन विभाग में रखा है, क्योंकि इस आपदा से लड़ने के लिए कॉर्पस फंड से, झारखंड कंटिजेंट फंड से पैसे लेने की आवश्यकता पड़ी, और उस पैसे को अगर अनुपूरक बजट के माध्यम से हम नहीं वापस करते हैं तो राज्य सरकार का वित्तीय संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ये सवाल इस बात का नहीं है कि ये परिस्थितियां हमारे नजर में जो हैं वो इनके नजर में क्यों नहीं है। मेरा भी यही मानना है माननीय कि अगर ये झारखंड के निवासी हैं, झारखंड के रहने वाले हैं और झारखंड के हितों को सोचते हैं तो इनके दिमाग में भी वो चीजें होनी चाहिए। हम तो बार बार ये कहते हैं कि ये पार्टी बाकी सब तमाम चीजें अपनी जगह पर है, अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार इतना तो जरूर बोलिए कि बुलेट ट्रेन के डबल इंजन के समय में क्या हुआ उसका तो लेखा जोखा आपके पास होगा और झारखंड की जनता के पास है, इसलिए आप इधर से उधर हैं। लेकिन आज जो पिछले 9 महीनों में केंद्र झारखंड के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रहा है, क्या आपकी अंतरात्मा की आवाज नहीं कहती है कि झारखंड के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार के खिलाफ कम से कम आप झारखंडियों का साथ दें? अरे हमें तो यह समझ में नहीं आता है कि दलीय अनुशासन की परिभाषा कितनी कठोर है, वो परिधि कितनी मजबूत है जिससे बाहर पांव निकालने में आपको डर लगता है। अरे लक्ष्मण रेखा बनाने से नहीं बनती है, राज्य हित में चीजों को खोना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। आज ये बताइए कि आपके इन 12 सांसदों ने झारखंड के हित के किन मुद्दों को संसद में रखा? आप बताइए कि आपके 12 सांसद मुंह पर ताले लगाकर क्यों बैठे थे जब झारखंड के अधिकारों का हनन हो रहा था? आप बताइए कि केंद्रीय सहायता और तमाम चीजों के मद में झारखंड आज इतना कमजोर क्यों है? तो हम तो यही कहते हैं माननीय कि एक्ट ऑफ गॉड तो कहां है हमको नहीं मालूम, लेकिन झारखंडियों के साथ ये एक्ट ऑफ फ्रॉड जो इनके और इनके आला नेताओं के माध्यम से हो रहा है उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। और फिर हम दोहरा कर बोलते हैं, अभी भी समय नहीं चुका है,
अभी भी इस कोरोना काल से राज्य पूरी तरीके से नहीं निकला है। अगर राज्य को बेहतरी की ओर ले जाना चाहते हैं तो एकमत होकर सदन प्रस्ताव पारित करे कि 2500 करोड़ का जीएसटी, जिससे राज्य के विकास का पहिया अवरुद्ध हो गया है। हम लोग अनुरोध करें, आपका हस्ताक्षर पहले हो, मेरा हस्ताक्षर बाद में हो, जो आपके आला नेताओं को भी बैठकर दिल्ली में ये लगे कि झारखंड की उपेक्षा झारखंड मुक्ति मोर्चा की उपेक्षा नहीं है, उपेक्षा झारखंड के 3,30,00,000 लोगों की है और उसमें आप भी शामिल हैं। तो माननीय, अगर मेरे इन बातों से भी इनका कुछ हृदय परिवर्तन हो जाए तो मुझको बड़ा भला लगेगा कि इस राज्य का कुछ बेहतर और भला हुआ। और हम तो यही चाहेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि हे ईश्वर, इन्हें माफ करो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो माननीय, मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर, इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते कि झारखंड के हितों के खिलाफ क्या कर रहे हैं, और इन्हें सुबुद्धि दे कि आने वाले दिनों में कटौती प्रस्ताव छोड़ दीजिए, पक्ष विपक्ष एकजुट होकर राज्य के हित के लिए केंद्र तक चलिए और चल के केंद्र से संसाधनों को लाकर अपने हीरा नागपुर और सोना झारखंड को बेहतर बना सके। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मान्यवर, धन्यवाद।